आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरी छाल एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से हुकूमती SOPs के खिलाफ तकरीबात दिन में किए जाने और सख्त तरीन अहकाम और कमिश्नर हैदराबाद के दौरे मियार के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत थी। मुजाहरीन में शरीक रहनुमा और रहनुमाओं का आवाम से खिताब। हम अब्बास बलोच साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के गरीबों के मजदूरों के मुतालबात मान लिए हैं। उन्होंने हमें तसल्ली बख्श जवाब दिया है, बड़ी इज्जत दी हमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जो डेट इन्होंने दिए है वो डेट को मुतालबात हमारे जो इन्होंने वादा किया है अल्लाह करे वो पूरे हो जाए। कमिश्नर साहब जो मुतालबा जो किसी का भी होता है पूरा कर लेते हैं, अल्लाह करे हमारा मुतालबा भी पूरे कर लें और हम भी रोजगार से लग जाएं। हम उनका बेहद शुक्र गुजार हैं, कमिश्नर साहब का, DC साहब का, SP साहब का, हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमारे मुतालबा मान लिए हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम हमारे जारी किए जाएँ, एक ही शर्त थी हमारी कि कराची की SOPs के मुताबिक हमें चलाया जाए। सर एक हफ्ते का जो राउंड टिकट दिया गया, अगर इसके बाद जो मुतालबात पूरे होते आगे का फिर हम अगला लाइमल बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको भी बताएंगे। सर एक मिनट, जो कहने है कि बॉक्स के अंदर खाना दिया जाएगा, इसका कोई मामला नहीं है सर? बॉक्स के अंदर SOPs में शामिल है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे इस SOPs को फॉलो करें और जो जो भी NCOC की SOPs हैं उसको फॉलो करें। हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही था कि कराची के साथ हमें शामिल किया जाए, जो उसके साथ सुलूक हो रहा है वो हमारे साथ सुलूक किया जाए, हमारा यही एहतजाज। शुक्रिया। हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर NCOC ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो SOPs यहाँ के ऊपर लागू की हैं उसके बरखिलाफ़ हैदराबाद के कमिश्नर ने अपनी SOPs बनाई गई हैं। आपको जैसा पता होना चाहिए कि शादियों के जो मामलात होते हैं, जो इंतजाम होते हैं, वो 6 महीने पहले शुरू होते हैं। 24 घंटे के नोटिस के ऊपर किस तरह लोग अपनी शादियों कैंसिल करके अपने इंतजाम करेंगे। दिन की शादियों का नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और रात की शादियों को अलाउ किया जाए, हमारा मेन मुतालबा यही है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर शादियां रात 10 बजे तक जारी हैं SOPs के साथ, उसी SOPs के साथ हैदराबाद की इंडस्ट्री भी उन्हीं SOPs के साथ काम करना चाहती है। बराए मेहरबानी हमारी वर्करों को, वेटरों को, स्टाफ को बेरोजगारी से बचाया जाए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।